उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीषा आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टडी जर्नी विद यू में। तो दोस्तों, आज आप लोग देखिए, आज है 23 सितंबर और मैं अपना मॉर्निंग का काम फिनिश करके स्टडी करने बैठ गई हूँ। मैंने आप लोगों को सभी काम तो नहीं दिखाया है, क्योंकि आप लोग समझते हैं सभी चीज़ों को शूट करने में टाइम लगता है और उसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही पास में है, तो मैं चीज़ों को ज़्यादा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहीं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं NEP पढ़ रही हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो हमारे टीचिंग एग्जाम है KVS DSSS भी, उन सब में क्वेश्चन आएंगे। इवन लास्ट टाइम जो हमारा CTET हुआ था उसमें भी भर भर के क्वेश्चन आए थे। आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैं बच्चे के साथ किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही एंग्री हो रखा है। अभी मैंने उसको थोड़ा सा समझाया है, क्योंकि वो फ़ोन लेने की जिद कर रहा था। उसको मैंने अपने साथ में ही स्टडी करने के लिए बैठा लिया है। वैसे तो ये स्कूल चला जाता है तब मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है, लेकिन आज हैवी रेन की वजह से इसके स्कूल ऑफ हो गए थे, तो आज ये घर पर ही है। अब ये साथ में मेरे साथ पढ़ाई करेगा और मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी। यहाँ पर मैं नोट्स बना चुकी हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए हैं। जो हमारा 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है उसको मैंने अच्छे से समझा है और उसका मैंने एक थ्योरेटिकल अच्छे से अपना बेस तैयार कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं ये मैं नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं किसी दिन टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ ये नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, चाहे आप CTET का एग्ज़ाम ही दे रहे हो, लेकिन इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से लास्ट टाइम भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं, तो इस टाइम भी अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। आप लोग जानते हैं मैं TGT इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये मेरे पास NVS की बुक है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज की थी। मैंने इस बुक से सिनोम्स एंड एंटीनोम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें अच्छे से सिनोम्स भी दिए हुए हैं उसी वर्ड के, और उसके साथ साथ ही उसके एंटीनोम्स भी दिए हुए हैं, तो मुझे अच्छे से पता लग रहा है कि किसका क्या तो मीनिंग होता है और क्या उसके अपोजिट मीनिंग होता है। अब देखिए, मैंने बेटे को बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुला दिया है। बच्चे होते हैं, हमें बच्चे को बर्डन नहीं समझना है, बच्चे को अपने करियर में बैरियर नहीं मानना है, हमें बच्चे को एक पॉजिटिव थिंग्स की तरह लेके चलना है कि वो हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, और उसके साथ ही अपनी स्टडी को मैनेज करना है। हमें ये नहीं समझना है कि हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं और अब हमारे करियर पे स्टॉप लग जाएगा। और वैसे भी कहते भी हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो हमें बच्चे को उसी तरह से जितना हम उसको डांट डपट से समझाएंगे वो नहीं मानेंगे, लेकिन जितना हम उनके साथ प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमारी बातों को समझेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी अपने बच्चों के साथ स्टडी कर सकते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स पूछती हैं कि जब मेरा बेबी छोटा था तब मैं कैसे स्टडी करती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बेबी लगभग 1.5 साल का हुआ था तो मैंने कोई स्टडी नहीं की थी। मैंने अपनी स्टडी पर थोड़ा सा स्टॉप दे दिया था। पता नहीं उस टाइम पे मैंने स्टडी, ये समझ लो आप कि मैंने छोड़ ही दी थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो तब मैं ऐसे करती थी कि मैं बेटे को साथ में रखते हुए मैंने जो बड्स आते हैं ईयरबड्स वो मंगवा रखे थे, उनसे मैं वीडियोज़ को सुनती रहती थी। मेरी जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, मुझे सुनने से भी चीज़ें याद होने लगती हैं। इस तरह से आपका बेबी भी अगर छोटा है तो आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग हेडफोन वगैरह लगा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे इतना भर भर के मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब मैंने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा सोनेट के बारे में पढ़ रही हूँ, जो कि लिटरेचर का पार्ट है। मैंने दिन में लगभग 3 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर ली थी, एंड उसके बाद मेरा शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है स्टडी करने का। उसके बाद मैं आप लोगों से अब नाइट को मिल रही हूँ, बेटे को सुला चुकी हूँ और मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद जो हमारा टाइम है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, हमें बच्चे और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही अपने टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, और थोड़ा सा हमें सेल्फिश भी बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम सब लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद हमें अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और हम अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे।
आप लोग आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे उनका मुझसे आप सॉल्यूशन मांगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं भी किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। आप लोगों के और भी जो भी डाउट होते हैं तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। एंड आ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जानते हैं कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो भी डाउट होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, सीटेट, एसटेट, रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको रिजोल्व करने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ, जितना मुझे पता होता है उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए यही संदेश था कि आप लोग अपने बच्चे को अपने कैरियर में बैरियर ना समझें। वो आपके लिए बैरियर नहीं है, बल्कि आप उनके लिए सोचें कि आप जो आज करेंगे, आपकी की हुई आज की जो मेहनत है वो आपके भी आगे काम आएगी और आपके बच्चे की जो लाइफ है वो भी बेटर हो पाएगी। बस यही सोचते रहिए कि हमें उड़ान तो भरनी ही है, चाहे हमें गिरना पड़े या खुद संभलना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, हमें अपने सपनों को हर हालात में पूरा करना ही है और हम पूरा करके ही रहेंगे। वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डेफिनेटली डू इट, हम एक दिन जरूर जीत जाएंगे। बस इसी सोच के साथ आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों से मिलूंगी किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।